मैम आवाज नहीं आ रही है, सबकी तरफ नहीं आ रही है, सिर्फ मुझे नहीं आ रही है। अच्छा स्टूडेंट कंफर्म करें, स्क्रीन शेयर है? जी शेयर है मैडम जी। ओके ठीक आवाज है जी, शेयर है। यस मैम। हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे हमने देखा कि जंगल स्काउट के थ्रू जो है ना, हम किस तरह से लाइक स्टैट्स को मैच करते हैं। अभी हम देखेंगे हीलियम 10 के थ्रू। लेट्स सपोज कि हमने एक आइडिया फाइंड आउट कर लिया। अब हमने उसके ऊपर जो है ना, जंगल स्काउट या हीलियम 10 में से इसकी एक्सटेंशन को रन करना है और क्राइटेरिया को मीट करने की कोशिश करनी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैग्नेट वाला स्टेप रिपीट कर दे काइंडली। मैग्नेट वाला चलें, ये देखें मैग्नेट में मैंने आपको गाइड किया कि टूल्स में आपने जाना है, ठीक है। टूल्स में ये देखें मैग्नेट शो हो रहा है ना, इस पर आपने क्लिक करके इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपने ये जो आपका कीवर्ड होगा ना, की होल्डर, ठीक है, मेरा कीवर्ड था, मैंने इसको पेस्ट किया। और ये देखें राइट साइड पे हमने अमेजोन की सर्च बार में से, लाइक मार्केट प्लेस सेम रखनी है आपने, ठीक है। मार्केट प्लेस अमेजोन डॉट कॉम था, सो मैंने अमेजोन डॉट कॉम सेलेक्ट किया। दो स्टेप करने के बाद जो है ना, सर्च पे गेट कीवर्ड पे क्लिक किया। नीचे हमारे पास उन्होंने सर्च वॉल्यूम बता दिया, क्योंकि सर्च वॉल्यूम जो है ना, वो हमें ये बता रहे होते हैं कि लेट्स सपोज कि हमने ये रखा हुआ है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, हमारा यूएसए के लिए 10,000 होना चाहिए और यूके के लिए हमारा मिनिमम 5,000 होना चाहिए, मिनिमम 5,000 होना चाहिए, ठीक है। अभी लेट्स सपोज कि ये हमारा सर्च वॉल्यूम जो है मिनिमम 5,000, और यूएसए के लिए देखें तो ये 80,000 बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम है। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें ग्राफ आ रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। हमें यहाँ पे दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं। एक हमने देखना होता है ग्राफ ऑल टाइम का और फर्स्ट टाइम का। ऑल टाइम का ये देखिए बहुत अच्छा आ रहा है, ये बेस लाइन जीरो को टच कर रहा होता है, तो इट्स मीन कि ग्राफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर हम सजेशन नहीं देते कि आप इस तरह के प्रोडक्ट के साथ चलें। सेकेंड थिंग कि ये देखिए आल टाइम का हमने देखा, ये भी बहुत अच्छा था क्योंकि ग्राफ बेस को टच नहीं कर रहा, ऊपर जा रहा है, इट्स मीन टू गुड। नेक्स्ट आपने यहाँ से सर्च वॉल्यूम देखना होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमने सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट आउट करके ना, अपने रिलेटिव, जो रिलेटिव आपके कीवर्ड से रेलिवेंट कीवर्ड कीवर्ड होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। आपने उन रेलिवेंट कीवर्ड पे ये देखिए सर्च वॉल्यूम हाई टू लो करना है। हाई टू लो सर्च वॉल्यूम करने के बाद आपके पास वो कीवर्ड आएंगे जो रेलिवेंट कीवर्ड होंगे ना, उनके आपने स्क्रीनशॉट लेके क्लाइंट को वो भी दिखाने हैं। ये डजेंट मैटर, ये शो हो भी जाए तो इसका मसला नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं दिखाने, आपने स्टार्टिंग वाली फिगर्स दिखानी है, ठीक है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि स्टार्टिंग वाली फिगर से उसको आइडिया हो जाता है कि इट्स मीन कि ये इसका रेलिवेंट कीवर्ड के भी सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छे आ रहे हैं। इट्स मीन कि ये अगर कीवर्ड अपनी लिस्टिंग में मैं ऐड करूँगा तो ये कीवर्ड बहुत बहुत अच्छा मुझे जो है ना, रैंकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। माइक ऑन है डेल आपका, डेल। अच्छा ये मैंने मेक श्योर किया हुआ है कि आपने अपने नेम से आना है, तो ये मैंने इनको लैटिन कर लिया, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इनको लैटिन नहीं किया जाएगा। अदर देन डैट जो भी स्टूडेंट अपने नेम से आएगा उसको किया जाएगा, ठीक है। ये मेक श्योर करके आपने क्लास में एंटर होना। माइक ऑफ कर लें अपना। चलें जी, ये मैग्नेट के थ्रू मैंने आपको गाइड कर दिया। अगेन हम मूव ऑन करेंगे कि लेट्स सपोज कि ये हमारा कीवर्ड है और इस पर मैं अकाउंट चेंज करके देख लेते हैं कि कोई जो है अकाउंट एक्टिव हो और उसके अकॉर्डिंग हम चलें। लेट्स सपोज के एक सेकेंड, अच्छा इस तरह से है कि आपने क्या करना है कि इसको जो है ना, हीलियम 10 को रन करना है इसके ऊपर, ठीक है, और स्टैट्स को मीट करने की कोशिश करनी है। जिस तरह से हमने जंगल स्काउट के थ्रू देखे ना, सेम लाइक डैट हमने स्टैट्स को मीट करने की कोशिश करनी है। डोंट नो व्हाई दिस हैपन, बिकॉज ये टूल्स का इशू आता ही रहता है, सो डोंट वरी अबाउट डैट।
इसमें हम ये देखेंगे कि लेट्स सपोज हमने इस तरह किया ना, अब इस पे भी सेम वही रख के ना, टूल्स का अपना अपना हिसाब होता है। मे बी ये टूल्स आप यूज़ ना कर रहे हो या लेट्स सपोज यही कर रहे हैं, तो फिर यही मेथड होता है कि हमने अकाउंट एक्सटेंशन का और वेब का सेम रखना होता है। लेट्स सपोज अभी तो सेम है और ये होता है ना लोड लोड होता है, तो इसको देख लेते हैं स्टैट्स को। अच्छा ये हमने हीलियम 10 के थ्रू अब जो है ना स्टैट्स को मैच करके देखना है कि ये हमारे स्टैट्स जो है ना मीट कर जाए। आपने क्या करना है, टॉप 10 के साथ हमारा कंपटीशन है, ये आपने मेक श्योर कर लेना है। टॉप 10 के साथ हमारा कंपटीशन होता है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि फिल्टर लगाना है यहाँ पे। यहाँ से आप फिल्टर लगाएंगे कि स्पॉन्सर्ड वाले जो है ना वो हाइड कर देने हैं, ठीक है। हाइड स्पॉन्सर्ड देन अप्लाई फिल्टर। अब जो स्पॉन्सर्ड वाले शो हो रहे थे ना वो हमें शो नहीं होंगे, अब ऑर्गेनिक जितने भी सेलर रैंक किए हुए हैं ना वो हमें शो होंगे। सबसे पहले नो ब्रांड डोमिनेंसी, ये आपने देख लेना है कि ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। प्राइस यूएसए के लिए हमने कहा था 11.99 से 39.99 के राउंड अबाउट होनी चाहिए, तो आपने देख लेना है 14, 14, 26, 13, 16, 10, 15, 27 डॉलर, 18, 11.99 समथिंग डॉलर एंड 7 एंड 14, यानी कि इट्स मीन के ये सेम वही है। अच्छा ये टूल्स जो है ना, हमजा आपकी क्वेरी लेते हैं, वेट इंशाल्लाह ये लास्ट पे आपकी तमाम क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। ये जो क्वेरीज होती है ना, ये आप अपने डायरीज वगैरह पे राइट करके रख लिया करें, तो ये हम लास्ट पे लिया करेंगे, ठीक है। लेट सपोज कि ये प्राइस जो है ना ये डेविएट कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। अब मेक श्योर करना है कि जी 14, 16, 18 और इस रेंज में आ रही होती है, ये डेविएशन आ रही है बीच में, तो इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो लेफ्ट ही देखिए 7 डॉलर है, फिर 14 चला गया, फिर 27 था, इस तरह से ये ना फ्लक्चुएट कर रही है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, रेवेन्यू हमने देखना होता है कि मिनिमम 7,000 डॉलर 5 सेलर लेके जा रही हूँ, ये रेवेन्यू बहुत अच्छा था, ये भी क्राइटेरिया को मीट कर गया। सेम आपने नेक्स्ट क्राइटेरिया को देखना है, रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, ये टॉप 10 में 3 सेलर के 200 से कम होने चाहिए, और इसमें 1, 2 एंड 3 3 सेलर के ये वैसे 200 से अबव ही है, लेकिन 2 सेलर के आ रहे हैं, इट्स मीन 3 सेलर के मिनिमम 3 सेलर के 200 से कम होने चाहिए थे, बट ये यूएसए के लिए हम देख रहे हैं ना, तो ये 400 से कम, मिनिमम 3 सेलर के 400 से कम होने चाहिए, इट्स मीन ये भी 400 से कम है, ये भी एंड दिस वन, ठीक है। सो ये 400 से कम आ रहे हैं, इट्स मीन क्राइटेरिया रिव्यूज़ वाला ओके है। उसके बाद आपने क्या देखना है, यहाँ पे कैटेगरी तो हमें आइडिया ऑलरेडी होता है, ये फुलफिलमेंट एफ बी आ रहा है यहाँ पे, अमेजोन 3 से ज़्यादा दफ़ा ना आए। उसके बाद आपने वेट चेक कर लेना, 1.5 LB से ज़्यादा ना हो। डेट क्रिएशन देख लेनी है, तमाम सेलर 6 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें उसी तरह जिस तरह हम हीलियम 10 पे देखते हैं ना। अच्छा ये दोनों टूल्स यूज़ करने का पता क्या फ़ायदा है, ये आपके आपका क्वेश्चन मुझे ज़रूर आना था, ठीक है। हर बैच के स्टूडेंट को ये कन्फ्लिक्ट होती है, मैम ये क्यों हम दोनों टूल्स के पे ऊपर रिलाई करते हैं, हम एक ही टूल पे क्यों नहीं रिलाई करते। देखिए कभी भी हम एक टूल पे रिलाई नहीं करते, हमें ऑथेंटिसिटी के साथ चलना होता है, इतनी बड़ी अमाउंट के साथ हमने चलना है, 15K डॉलर एंड 20K डॉलर अबव अमाउंट के साथ हमने चलना होता है प्राइवेट लेबल में, तो फिर हमने इन दोनों टूल्स पे रिलाई करते हुए हमने कोई स्टेप लेना होता है। दोनों टूल्स हमें बताएं ना कि फिजिबल है डाटा, तो देन हमने इसके साथ गो मूव ऑन करना होता है, एक टूल पे कभी भी रिलाई नहीं करते। अच्छा ये टूल्स की जो है ना, ये आगे पीछे थोड़ा बहुत डाटा होता है। अभी लेट्स सपोज ये शो हो रहा है ना आपको प्राइस, तो ये प्राइस मे बी ये 9th सेलर जो है वो वहाँ पे $12 की शो कर रहा हो प्राइस, तो यहाँ पे 10 शो कर रहा है, 1 डॉलर या 2 डॉलर या इस तरह से थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, डिफ्रेंसिएशन आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता, ठीक
ठीक है, तो ये कभी भी टूल एक जैसा डाटा शो नहीं करते, ये आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है, तो एक्सेप्टेबल है वो उसको हम बॉदर नहीं करते। लेट्स सपोज ये हमें कीवर्ड भी बता रहा होता है, इसके अलावा ये हमें यानी कि ये सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है, ठीक है, सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है, साथ यहीं भी हमें की ये सर्च वाली हिस्ट्री भी बता देगा। हमने देखना होता है ऑल टाइम, फर्स्ट टाइम, वन टाइम का और वन ईयर का और ऑल टाइम का, ये हमें ग्राफ भी शो कर रहा होता है यहाँ पे, ठीक है, जो ग्राफ मैग्नेट शो कर रहा होता है ना। अच्छा, मैग्नेट का फंक्शन होता है हमें कीवर्ड बताना और ये ग्राफ बताना, जो कि मैग्नेट हमें यहीं से हमें शो हो जाता है कि हम मैग्नेट का फंक्शन यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें मेक श्योर कर लीजिएगा। बाकी ये हमने यहाँ से देख लिया, अगेन हमने यहाँ पे जाना है और ये देखना है, अगर तो ये ओके हुआ और बाकी तमाम स्टैट्स फाइन है, तमाम स्टैट्स मीट कर रहे हैं क्राइटेरिया को, इट्स मीन कि ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके साथ फिर हम चल सकते हैं। यहाँ तक हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का जो है ना ये स्नैरियो कंप्लीट हुआ। अभी लेट्स सपोज के नेक्स्ट हम देख लेते हैं, थोड़ा एक एक से दो चीज़ें मेक श्योर कर लेते हैं। हमने देखना है कि क्या ये क्राइटेरिया जो है ना, लेट्स सपोज तमाम क्राइटेरिया मीट कर गए, ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट है, फिर हमने इसका सर्च इसका हमने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन कैसे करनी है वो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन, ठीक है, हमने क्या करना है कि कीवर्ड लेना है और प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे हम राइट करेंगे एफपीए कैलकुलेटर फॉर यूएसए, ठीक है, अमेजोन एफ बी ए कैलकुलेटर फॉर यू एस सी, और लेट्स सपोज इसको ओपन कर लेते हैं। अभी आपने क्या करना है कि ये एड्स वाले शो हो रहे हैं, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है, राइट साइड पे ओपन किया इसको। अभी लेट्स सपोज ये कह रहा है कि साइन टू सेलर सेंटर हमने नहीं करना, हमने कंटिन्यू एज गेस्ट पे क्लिक करना है। ये कंफर्म करें कि आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। यस मैम। ओके, कंटिन्यू एज गेस्ट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपने एसन राइट करना है अपने कंपेटिटर का, ठीक है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे कंपेटिटर ये देखा है ना, कंपेटिटर के अकॉर्डिंग हमने चीज़ देखी है। लेट्स सपोज कि मेरा कंपेटिटर ये है, मुझे इस प्रोडक्ट के साथ चलना होगा, क्योंकि कंपेटिटर हमेशा वो सेलेक्ट किया जाता है जिसके रिव्यूज़ कम हो और रेवेन्यूज ज़्यादा हो। तो ये हमें जंगल स्काउट ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन से पता चलता है, टॉप 10 में किस सेलर का रिव्यू कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है। लेट्स सपोज कि ये एग्जाम्पल के तौर पर जी ये हमारा कंपेटिटर है, मैंने क्या करना है यहाँ से इसको राइट साइड पे ओपन करूँगी। राइट साइड पे ओपन करने के बाद यहाँ से इसके एसन जो है ना, प्रोडक्ट डिटेल पेज में इसका एसन दिया होगा, वहाँ से मैंने उसको पेस्ट कॉपी करना है। यहाँ से मैं इसके एसन को यहाँ से कॉपी कर लूँगी, यहाँ से कॉपी करके तो मैंने अब क्या करना है कि अमेजोन एफ बी ए कैलकुलेटर में आऊँगी, यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। अभी देखिए मुझे वही प्रोडक्ट शो हो रही है ना, वही वाली प्रोडक्ट, एग्जैक्ट वही वाली प्रोडक्ट मुझे शो हो गई। अब अमेजोन फुलफिलमेंट बाय ये एफ बी ए और ये एफ बी एम है, इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन ये है कि एफ बी ए के तौर पर हमेशा हमने अमेजोन पे मूव ऑन करना होता है। एफ बी और एफ बी ए में क्या डिफ्रेंसिएशन है, क्या रिपीट कर दें, एफ बी ए और एफ बी एम को? ये जंगल स्काउट पे जाके कॉम्पिटिटर जो आपने चूज किया है वो उस पे जाके हमें प्लीज। अच्छा समावी, आपकी आवाज क्यों बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है, मुझे आ रही है या सभी को आ रही है? एग्जैक्टली बहुत बहुत स्लो आ रही है। माविया आप कोशिश करें कि थोड़ा ऊंचा, या फिर आप कोई ट्राई करें कि आपकी आवाज़ हमें क्लियर आ जाए। अच्छा जी, इस तरह से है कि अगेन मैं रिपीट कर दूंगी इसको, इस सिनेरियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दी लूँ, अमेजोन एफ बी ए के तौर पर अगर हमने चलना होता है ना, तो इट्स मीन कि एफ बी ए का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज कि हम बैठे हैं पाकिस्तान में, हमने सोर्सिंग करवानी है चाइना से ऑनवर्ड यूके या यूएसए में,
इट्स मीन कि अगर यूके में हमारा या यूएसए में हमारा अमेजोन वेयर हाउस है जहाँ पे हमने हमारा अकाउंट है क्लाइंट का और उसके थ्रू हमने सेल आउट करनी है प्रोडक्ट्स, तो मैं पाकिस्तान में बैठी अगर कोई कस्टमर आ जाएगा तो मैं किस तरह उसको डील करूँगी? मैंने क्या किया, मैं अमेजोन को सिलेक्ट करूँगी, अमेजोन मेरी प्रोडक्ट को पिक पैक एंड शिप वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन जो है ना वो डील करेगा, अमेजोन ने ही कस्टमर को मेरी प्रोडक्ट पिक पैक एंड शिप करके सेंड करनी है अमेजोन कस्टमर के वेयर हाउस तक, कस्टमर तक पहुँचानी है। लाइक मिसाल के तौर पे देखें, मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ, कस्टमर आया, मैं कैसे डील करूँगी? तो ये चीज़ होती है कि हमने फिर अमेजोन के वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट्स रखनी होती है, अगर कस्टमर आएगा तो अमेजोन ही उसको डील करेगा। तो ये हमने FBA के तौर पर चलना होता है। अगर कोई क्लाइंट मिसाल के तौर पर क्लाइंट या फिर हम UK या USA में बिलोंग करते हैं ना, तो फिर हम FBM करेंगे मॉडल। वो क्यों? हमने फिर इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में नहीं रखवानी, हमने अपने पास रखनी है, कोई कस्टमर आएगा तो हमने उसको खुद डील करना है। तो ये होता है प्रोसेस फुलफिलमेंट का FBA। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स सपोज के FBA के तौर पर मैं जा रही हूँ ना, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जो प्राइस चल रही है ना अमेज़ॉन पे इस टाइम पे इस प्रोडक्ट की, लेट्स सपोज ये हमारा ये वाली है। चलें ये थोड़ा सा चलते हैं इंशाल्लाह, अजान हम सुनेंगे अजान को, ये थोड़ा सा हो जाए अब कंप्लीट। यहाँ पे समय स्टॉप करने से रही, क्योंकि फिर दोबारा अगेन इतना ज़्यादा रिपीट करना पड़ेगा, ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर इंशाल्लाह, इसको थोड़ा ब्रेक लेते हैं। अच्छा ये जो है ना, मैं बताना चाह रही थी कि लेट्स सपोज कि ये मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसकी अमेजोन पे प्राइस क्या चल रही है, 17.99 इसकी प्राइस है। मैं क्या करूँगी, FBA कैलकुलेटर में जाके 17.99 पेस्ट कर दूँगी। शिपमेंट के आपने $2 जो है ना एवरेज के हिसाब से सिलेक्ट करने हैं, ये डिपेंड करता है कि हमें कितने पड़ते हैं, लेकिन एवरेज हमने यहाँ पे ना 2 सिलेक्ट करने होते हैं। अमेजोन स्टोरेज फीस जो है ना वो ऑलरेडी अमेजोन $1 सिलेक्ट कर लेता है, आप ये FBA कैलकुलेटर कंसिडर कर लेता है कि आपको अमेजोन स्टोरेज फीस $1 पड़ेगी। अभी ये जो है ना, ये हमें चाइना से हमने सोर्सिंग करवानी होती है अपनी प्रोडक्ट की, हमें कितने की पड़ेगी ये हम alibaba.com पे जाके तो देखेंगे। लेट्स सपोज के alibaba.com पे हम देख लेते हैं, एक सेकेंड, alibaba.com पे आपने ना ये अकाउंट बना लेना है, उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें ना, मैं इसको लॉगिन कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी प्राइस, की चेन की प्राइस अलीबाबा पे कितनी चल रही है। अच्छा अगेन स्क्रीन शेयर करके आपको गाइड कर देती हूँ कि अलीबाबा पे इसकी प्राइस क्या चल रही है। देखें मैंने की होल्डर फॉर वॉल अपना मेन कीवर्ड राइट किया, उसके रिकॉर्डिंग जो लेट्स सपोज कि मेरा कंपेटिटर है ना, जो कंपेटिटर हमेशा अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट प्रोडक्ट वाला चूज़ करते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये मेरा कंपेटिटर है, इस ये सेल आउट कर रहा है 1 point something की, ठीक है, 1 point something डॉलर की। यहाँ से मैंने कॉपी किया, इसको शो हो रही है ना स्क्रीन ये वाली alibaba.com की, स्क्रीन शो हो रही है आपको? मैम शेयर है। ओके ओके, की हो रही है शो? यस मैम, ठीक है ठीक है। अच्छा अगेन हम इस पे आएंगे और यहाँ पे आके ना तो हमने ये पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है, प्राइस वहाँ से जो देखी है, इसका कैलकुलेट पे क्लिक करके आपने प्रॉफिट मार्जिन देखना है, 33 something आ रहा है, इट्स मीन कि ये 25 से अबव होना चाहिए, और ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हमें 33 something प्रॉफिट दे रही है। ये हमें प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन का मैंने आइडिया आपको बता दिया कि ऐसे प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट हम करते हैं एक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है।
प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आपका मैम, अगर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी हो तो ये वाली जो चीज़ है ये आप दोबारा बता सकती हैं, ये कैलकुलेशन वाली, इसमें थोड़ी सी जो है ना मसला आ रहा है। मैम मुझे भी इसमें मसला आ रहा है, कॉम्पिटिटर जो चूज किया है आपने जंगल स्काउट या हीलियम 10 जो है शुरू के उसमें से चूज किया है, वहां से प्लीज रिपीट कर दें। ठीक है ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। आई थिंक सो कि थोड़ा सा 5 मिनट ब्रेक ले लें ताकि अजान सुन ले, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इंशाल्लाह मैं कंप्लीट वे से गाइड कर। जी स्टूडेंट्स आवाज आ रही है सबको? जी मैम। जी मैम आ रही है। ओके अच्छा, मैं आपको बताने जा रही थी कि लेट्स सपोज कि हमने देखना है कि क्राइटेरिया जो है ना वो, एक सेकेंड, मैम बैक एंड से स्टार्ट कर दें प्लीज, जहाँ पे आपने ये कैलकुलेशन स्टार्ट की थी। ठीक है ठीक है। अच्छा ये देखें, सबसे पहले आपने कोई कंपेटिटर चूज़ करना है टॉप 10 में से, ठीक है। लेट्स सपोज के हीलियम 10 या मैग्नेट के थ्रू वो आपने, एक सेकेंड मैं इसको लॉग इन कर लूँ फिर मैं आपको गाइड करती हूँ। वैसे ये एक दफ़ा देखने से ना काफ़ी कंफ्लिक्ट्स आती हैं, ये दूर हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो कंपेटिटर चूज़ करना है ना वो कैसे चूज़ करना है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी कि हमने कंपेटिटर चूज़ कैसे करना होता है। ये मैं ओवरव्यू आपको गाइड कर देती हूँ। अच्छा स्क्रीन शेयर है सबसे? यस मैम। यस मैम। ओके अच्छा, ये बताने का मकसद ये है कि हमने देखना होता है कि कंपेटिटर चूज़ कैसे करना है, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये हमारा कंपेटिटर, हमने चूज़ कैसे करना है टॉप 10 में हमने, और जो नो रेवेन्यू सॉर्टिंग है ना वो इट्स मीन कि पहले हम पता क्या करते थे, पहले अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्राइटेरिया हम यहाँ पे डबल क्लिक से ना रेवेन्यू सॉर्ट आउट करते थे, जो वो सेलर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेके जा रहा है वो टॉप पे आ जाता था, और वो सेलर जो सबसे कम रेवेन्यू लेके जा रहा है ना वो नीचे आ जाता था, ठीक है।
तो इट्स मीन कि हमारा कंपटीशन उनके साथ होता था जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी इसको रेवेन्यू को सॉर्ट आउट नहीं किया जाता, इसको क्लिक नहीं किया जाता, ऐसे ही जो सेलर शो हो रहे हैं ना उनके साथ हमारा कंपटीशन होता है, हमने उसके उनके साथ देखना होता है। अभी लेट्स सपोज के अभी कंपेटिटर मैं आपको बताने जा रही थी कि कंपेटिटर हमने चूज कैसे करनी है, ठीक है। कंपेटिटर ऐसे चूज करने हैं कि हमने टॉप 10 में देखना है वो सेलर जिनके रिव्यूज कम है, मिसाल के तौर पर 217 थर्ड सेलर या सेकंड सेलर जो है वो 108 रिव्यूज, यानी इट्स टू लो, 108 रिव्यूज और 29 समथिंग डॉलर लेके जा रहा है, इट्स मीन कि ये हमारा कंपेटिटर है। वो टॉप 10 में वो कंपेटिटर चूज करने हैं जिनके रिव्यूज कम होंगे, रेवेन्यू ज्यादा होंगे। लेट सपोज कि मैंने इसको अपना कंपेटिटर चूज किया, मैं इसको कंपेटिटर चूज करके इसको राइट साइड पे ओपन करूंगी। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया इसके एसन को, जो कि हमें प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पेज से मिल जाता है। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पेज से ये देखें एसन, यहाँ से कॉपी किया एसन को, ठीक है। अब मैंने क्या किया, FBA में आई, अमेजोन FBA कैलकुलेटर आपने राइट करना है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी FBA कैलकुलेटर, जस्ट अमेजोन पे आप ना राइट कीजिएगा, ये देखें अमेजोन FBA कैलकुलेटर फॉर USA, ठीक है। और नीचे ये देखें एड्स वाली जो है ना वो लिंक ओपन नहीं होते, ऑथेंटिक वेबसाइट्स नहीं होती, ये ऑथेंटिक वेबसाइट इसकी ये थी। मैंने FBA से अमेजोन सेलर सेंट्रल FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जब मैं इस पर क्लिक करूँगी ना, इस पर क्लिक करूँगी तो ऑप्शन आएगा कंटिन्यू एज गेस्ट, यहाँ साइन इन नहीं करना, कंटिन्यू एज गेस्ट पे क्लिक करके उस आपने एसन को पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद वही कंपेटिटर आपका ओपन हो जाएगा, फिर आपने यहाँ पे वो प्राइस लगानी है जो यहाँ पे लगी हुई है, यानी कि यहाँ पे ये इस प्रोडक्ट की शो हो रही है, जिसको कंपेटिटर चूज़ किया था ना उसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या चल रही है जी, $14 चल रही है, ठीक है। $14 यहाँ से आपने कॉपी करना है इसको, FBA कैलकुलेटर में आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे शिपमेंट जो है ना वो आपने एवरेज के हिसाब से $2 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। वो आगे पीछे हो सकता है, जब ऑथेंटिक कैलकुलेशन करेंगे ना, जब हमें DDP मिल जाएगी तब हमने ये ऑथेंटिक कैलकुलेशन, एवरेज के हिसाब से स्टार्टिंग में हमने $2 सेलेक्ट करना है। $1 वो ऑलरेडी एंटर करके बैठे होते हैं FBA कैलकुलेटर वाले कि अमेजोन स्टोरेज फीस आपको पड़ेगी $1, ठीक है। यहाँ पे जो हमें Alibaba.com पे शो हो रही है ना प्राइस, लेट्स सपोज के ये देखें Alibaba.com पे, ये चीज़ें आप ना रेपिटेशन पे देखें ना तो इजीली शो हो जाती हैं, आपको पता चल जाता है। अभी लेट्स सपोज के ये देखें हमारा कीवर्ड था, और हमारा कंपेटिटर जो है ना हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट प्रोडक्ट होनी चाहिए उसकी, और ये कंपेटिटर को यहाँ से सप्लायर को चूज़ कैसे करते हैं ये सोर्सिंग में हम देखेंगे। लेट्स सपोज कि इसकी प्राइस Alibaba.com जहाँ से सोर्सिंग हमने करवानी होती है ना, यहाँ पे चल रही थी $1.98, ठीक है, पाउंड। सो मैंने क्या किया कि अगेन मैं उधर जाऊँगी FBA कैलकुलेटर में, और FBA कैलकुलेटर में यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगी, कैलकुलेट पे क्लिक करूंगी, और ये हमारा आया 19 समथिंग, इसकी प्रॉफिट मार्जिन शो कर रहा है 19 पॉइंट समथिंग। ये हमारा पता कितना होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए 25 से अबव होना चाहिए, ये हमारा कम आया, इसमें इस तरह के प्रोडक्ट से हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मेक श्योर आपने कर लेनी है। बाकी ये है कि प्रॉफिट कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं। आज का टॉपिक जस्ट इसी के रिगार्डिंग था कि हमने किस तरह से लाइक प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया पे किस तरह से मीट करके प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, सेकेंड थिंग कि हमने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है आप करें, कहीं से अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट्स है तो वो आपको रेज कर मैम सकते हैं। ये बता दें, ये कॉम्पिटिटर का आपने जो 19 पॉइंट, ये कैसे आया है प्रॉफिट मार्जिन? 33 आया था ना प्रॉफिट मार्जिन तो? प्रॉफिट मार्जिन जो है ना 19 ये शो हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन शो होगा। नहीं मैम, उनका मतलब है कि जब हमने पहले कैलकुलेट किया था तो उस टाइम 33 आया था और अब 19। नहीं, अब अभी कंपेटिटर मैंने डिफरेंट चूज किया है ना, ये कंपेटिटर चूज डिफरेंट किया है मैंने, ये वाला कंपेटिटर डिफरेंट चूज किया है, ठीक है। मैंने आपको गाइड करने के लिए अगेन कंपेटिटर को प्रॉपर वे से चूज करना बताया, वहां पे मैंने रैंडम कोई भी प्रोडक्ट उठा ली थी, ठीक है। तो ये डिफरेंसेशन।
अस्सलाम वालेकुम मैम, जो फीसिस होती है वो तो और भी होती है ना, जैसे पैकेजिंग वगैरह और डिलीवरी फीसिस भी होती है, तो वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे इसमें? जो फीसिस वगैरह होती है ना वो इसमें अमेजोन की एफबीए कैलकुलेशन में नहीं करते, वो जब हमने बजट प्लान करना होता है ना तो उसमें हम करते हैं। ये जस्ट अमेजोन के अकॉर्डिंग एफबीए कैलकुलेटर ऑलरेडी एंटर करके बैठा होता है कि ये आपकी स्टोरेज फीस होगी। जी ठीक मैम। और जो रेटिंग होती है, रिव्यू जैसे होते हैं, थ्री सेलर के पास 400 से कम रिव्यू है और बाकी के पास बहुत ज्यादा रिव्यू है, तो हम उसको चूज करेंगे या छोड़ देंगे? नहीं नहीं अगर क्राइटेरिया को मीट कर रही है ना बाकी सेलर को, नहीं फिर हमने देखना, फिर सिर्फ थ्री पे ही फोकस करना है। अच्छा मैम, ये जो सर्च वॉल्यूम है और कंपेटिटर्स की जो वैल्यूज होती हैं, ये दोनों आपस में मतलब अगर सर्च वॉल्यूम ज्यादा है इट मींस के कंपेटिटर्स भी ज्यादा हैं? सर्च वॉल्यूम ज्यादा इट्स मीन कंपेटिटर ज्यादा है, हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। समटाइम इतना अच्छा सर्च वॉल्यूम, मैम आपने एक दफा टॉप में बताया था कि किसी की वो 80,000 आ रहा था, तो आपने कहा था हम इस ऐसे प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। नहीं 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 ऐसी प्रोडक्ट को लेंगे, सर्च वॉल्यूम तो जितना ज़्यादा हो उतना ही प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है हमारे लिए। मैंने कहा था कि जो कंपीटिंग प्रोडक्ट ये शो हो रही है ना, ये वाली प्रोडक्ट जो हमें शो हो रही है, ये 20,000 समथिंग शो हो रही है यहाँ पे, ये वाली मैंने कहा था ये हमने ज़्यादा नहीं ले ली। अच्छा अच्छा ठीक है ओके मैडम। ये रिलेवेंट कीवर्ड्स कितने होने चाहिए एक प्रोडक्ट के साथ जो मैग्नेट के थ्रू लेने हैं? हाँ मैग्नेट के थ्रू लेने हैं। मैग्नेट के थ्रू जो रेलिवेंट कीवर्ड है वो जितने मैक्सिमम वैसे होते हैं कि आप 6 से 8 ले लें वो काफ़ी हैं। वैसे तो रेलिवेंट बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन जो आपने टॉप दिखाने होते हैं ना वो 6 से 8 काफ़ी हैं। अच्छा, और ये नीच के हिसाब से होती है कि हम कौन से कैटेगरी में जा रहे हैं? जी जी एग्जैक्टली, वो नीश के हिसाब से होते हैं कि कैटेगरी कौन सी है, ये वेरी करते हैं सबके लिए। अच्छा अच्छा, तो मैम यहाँ पे कितनी प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसे हम आगे गो थ्रू कर सकते हैं जो आपने टॉप पे बताया था? प्रोडक्ट्स कितनी होनी चाहिए मसलन? मैम ऊपर जो 20,000 लिखी है ना ये ज्यादा थी ना, आपने कहा था ये ज्यादा है, तो यहाँ पे कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए कि हम एग्जैक्टली यूएसए के लिए 2,000 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो, और यूके के लिए 1,000 होनी चाहिए। तो फिर मैम ये आपने 20,000 था तो फिर ये क्यों मतलब आपने बोला ये सही है? नहीं मैंने नहीं बोला सही है, मैंने कहा ये बिल्कुल नहीं सही। सर्च वॉल्यूम जो है जितना मर्जी हाई हो एक्सेप्टेबल है, बट ये नहीं सही। मैंने इस पे वैसे मैच करके क्राइटेरिया दिखाया कि आपको समझ आ जाए कि कीवर्ड पे किस तरह एनालाइज करना है। अदर देन डैट तो इधर से मैंने कहा कि अगर ये नहीं मीट कर रहा क्राइटेरिया इधर से लेफ्ट कर देना, बाकी क्राइटेरिया को मीट ही नहीं करना आपने, टाइम वेस्ट नहीं करना। अच्छा मैम मुझे कि जो आपने मैग्नेट में बोला है सर्च वॉल्यूम चेक करने के लिए, तो वो तो हीलियम 10 में ऊपर भी तो सर्च वॉल्यूम आ रहा होता है ना, तो हम उस तरह देख सकते हैं? मैग्नेट में हमें 2 से 3 फीचर नज़र आ जाते हैं, एक तो मैग्नेट में 1 टाइम और ऑल टाइम का ग्राफ भी मिल जाता है, उसके बाद सर्च वॉल्यूम भी मिल जाता है और रेलिवेंट कीवर्ड भी मिल जाते हैं, तो इसलिए हम मैग्नेट में जाते हैं। और मिस जंगल स्काउट में सर्च वॉल्यूम कैसे देखते हैं? जंगल स्काउट में सर्च वॉल्यूम जो है ना वो हम देखते हैं जंगल स्काउट की वेब में कीवर्ड स्काउट में जाके, लेकिन अगर हीलियम 10 ही अगर आपको शो कर रहा है ना तो हम सर्च वॉल्यूम के लिए दोनों को नेसेसरी नहीं है, हम हीलियम 10 पे भी रिलाई कर सकते हैं। मैम जी जी आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा मैम, ये जो 13 क्राइटेरिया आपने बताए हैं इनमें से कितने मीट करने चाहिए हमारी प्रोडक्ट्स की किसी भी मार्केट के लिए, यूएस है या फिर वो यूके की मार्केट है, तो मैक्सिमम यानी कि 13 जो पॉइंट्स हैं वो सारे वो मीट करने चाहिए हमारी प्रोडक्ट के साथ? एग्जैक्टली, अगर एक भी मीट ना करे तो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाती है। मैम एक क्वेश्चन था। जी जी क्वेश्चन करें।
मैम ये जो आपने बताया था कि इधर जो मेंशन हुआ है कि प्रोडक्ट है जो जो है रिपीट नहीं होनी चाहिए, ब्रांड रिपीटिव, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रांड रिपीट हो रहा है या नहीं, या क्योंकि यहाँ पे तो कहीं पे भी ऐसा कुछ आया नहीं है कि जहाँ से हम पता चल सके ये रिपीटिव है या नहीं। आप कहते हैं कि वो तीन बार होनी चाहिए, ठीक है एक सेकंड ये देखिए, वही ब्रांड का नेम मेंशन होता है या क्या कुछ? ये देखिए ब्रांड का नेम आपको शो हो रहा है ना, ब्रांड के नेम शो हो रहे हैं, तो ब्रांड के नेम जो है रिपीट नहीं होने चाहिए। लेट्स सपोज के ये है होंजन ब्रांड, लेट्स सपोज के ये होंजन ब्रांड है। अब ये अगर तो टॉप 10 में 3 दफ़ा आ गया तो एक्सेप्टेबल है, अगर 3 से ज़्यादा दफ़ा आएगा तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, फिर ये ब्रांड डोमिनेंसी होगी। ठीक है मैम। और ये जो दूसरा आपने बताया था कि ये जस्ट जो टॉप 10 है ये हमने कोई भी इसमें सिलेक्शन वगैरह नहीं करनी, मंथली रेवेन्यू इसका शॉर्ट आउट नहीं करना, जस्ट जो भी डेमो स्पॉट जो टॉप 10 दे रहा है हम वो उनमें से उन पे सर्च करके ना हमने आगे वो करना है। एग्जैक्टली जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैम, अगर हमने प्रोडक्ट एक हंट कर लिया, जैसे एक ऑर्डर आया, तो वो क्लाइंट को कैसे डिलीवर कैसे की जाती है? क्लाइंट को डिलीवर कैसे की जाती है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, मैं आपको कंप्लीट वे से गाइड करूंगी कि आपने सेल आउट कैसे करनी है क्लाइंट को, वो इंशाल्लाह कंप्लीट वे से मैं आपको गाइड करूंगी। तो मैम एक और क्वेश्चन था कि जो स्पॉन्सर होती हैं प्रोडक्ट्स उनका उनको जरा भी एनालाइज नहीं किया जाता, उनका कोई इनके साथ लिंक नहीं होता क्राइटेरिया के साथ? नहीं नहीं, उनको हमने बॉदर नहीं करना होता, उनसे हमने अवॉइड ही जरा करना होता है, क्योंकि वो होते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं होते इसलिए। जी मैम, ये आइए, यहाँ पे मैंने इनरोल करने से पहले एक इंटर्नशिप भी की थी, तो वहाँ पे सर थे एक, वो कहते थे कि इनको भी एनालाइज करना होता है कि स्पॉन्सर भी कैसे रेवेन्यू लेके जा रहे हैं, तो इसी हिसाब से मेरा ये कंफ्यूजन थी, तो इसलिए मैंने देखिए हर एक का अपना क्राइटेरिया होता है, हम फॉलो करते हैं एनेबलर को जो कि नंबर 1 प्लेटफॉर्म है इस टाइम पे, मैं भी एक टाइम पे उन्हीं की स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं तो टोटली उनको रेफर करती हूँ, उनको प्रेफर करती हूँ, उन्हीं को जो है ना मैं करती हूँ, इवन तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑफर भी दी थी एज अ ट्रेनर, बट वो डेफिनेटली हर एक पर्सन की अपनी प्रायोरिटी होती है, तो मुझे सूटेबल नहीं थी क्योंकि वो काफ़ी डिस्टेंस पे हैं और ये वो थोड़े बहुत इशू थे, तो इस वजह से जो है ना मैं एज अ सेपरेट है हमारा इंस्टीट्यूट, बट मैं टोटली फॉलो उनको करती हूँ, सो डैट्स वाई जो है ना उनके अकॉर्डिंग हमने चलना होता है, तो ये चीज़ें जो है ना ये हमने उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको गाइड कर रही होती हूँ, तो ये क्राइटेरिया में हमने स्पॉन्सर वालों को बॉदर नहीं करना, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक जो रैंक करके बैठे हैं ना उनको हमने करना होता है। अच्छा मैम, एक टॉपिक से हट के क्वेश्चन है, ये जो आपने ग्रुप के लिंक्स वगैरह जो ग्रुप्स में सेंड किए थे अमेज़न से रिलेटेड जो सारे ग्रुप्स वगैरह, फेसबुक पे जाओ तो हर तरफ ये एड्स लगे होते हैं हमारे, हमें इतनी गर्ल्स चाहिए इस काम के लिए, इतनी गर्ल्स चाहिए इस काम के लिए, हर तरफ हर तरफ। मैम थोड़ा सा गाइड करेंगे ये स्कैम है या फिर वाकई में काम होते हैं? अच्छा ये नेक्स्ट आपने लिंक ज्वाइन करना है, क्लास एंड हो रही है, मैं आपको गाइड कर देती हूँ, ठीक है?